हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारी नई कहानी। आई एम द कॉन्ग एंड यू आर द शो के पार्ट 3 को। अब तक हमने देखा था इबो को शाहजहाँ के बारे में सब कुछ पता है, पर शाहजहाँ हर बात से अनजान है। इबो उसकी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। अब देखते हैं आगे। अगले दिन शाहजहाँ जब अपने ऑफिस में आया, वो बहुत थका थका सा लग रहा था। उसने अपने आप को डेस्क पर झोंक दिया। उसके डेस्क के सामने ही ली बोवेन का डेस्क था, जिसने पूछा, ओह क्या हुआ प्रॉपर्टी मास्टर शाहजहाँ, तुम पांडा की तरह क्यों दिख रहे हो? बोवेन की चढ़ाने पर शाहजहाँ के माथे पर शिकन आ गई। उसने अपना सर ऊपर उठाया। उसका चेहरा देखकर बोवेन ने पूछा, हे क्या हुआ तुम्हें? कल तो तुम्हारी छुट्टी है, क्या तुमने पूरा दिन आराम नहीं किया? मतलब पूरा दिन और पूरी रात सोते नहीं रहे? नींद का तो सत्यानाश हो गया, शाहजहाँ बोला। इस पर बोवेन हंसने लगा। या फिर तुम्हें कोई मिल गया था जिसने तुम्हें सोने नहीं दिया? बोवेन स्मक करते हुए पूछ रहा था। इस पर शाहजहाँ ने मुंह फिरा लिया। वह अभी इस डेमन का सामना नहीं करना चाहता था, पर बोवेन कहाँ उसे छोड़ने वाला था। उसने कहा, क्या बात है शाहजहाँ, तुम पूरी रात नहीं सोए, इतना बिजी थे? इस बार बोवेन अकेला नहीं था जिसकी नज़रें शाहजहाँ पर थी। उसकी आवाज़ ने वहाँ पर काम कर रहे सभी स्टाफ की नज़रें शाहजहाँ तक पहुँचा दी थी। शाहजहाँ गुस्से में बोला, चुप करो को मैंने कही के, मैं तो इसलिए नहीं सो पाया कि मेरा पड़ोसी आ गया है। उसने कल सुबह से शोर मचाना शुरू किया, दोपहर, रात, फिर सुबह तक। मेरी तो 4 बजे आंख लगी। अब तो बोवेन और जोर से हंसने लगा। पहले तालियां बजाकर हाथ पीटे, फिर शाहजहाँ की पीठ। शाहजहाँ तो दर्द में कूद कर खड़ा हो गया। उसने कहा, कुत्ते क्या हुआ है तुम्हें? सॉरी सॉरी, पर ये बहुत भयानक था, बोवेन हंसते हुए बोला। तो शाहजहाँ मुंह बनाते हुए बोला, पता नहीं तुम्हें इस सब में मजाक किया क्या लग रहा है, मैं परेशान था, मुझे तकलीफ हो रही थी। बोवेन ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसके पास जाओ, उसे बताओ आवाज़ कम करे। शाहजहाँ ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, पर वह अभी कुछ नहीं कह सकता था। अपने दोस्त को ये नहीं बताना चाहता था कि जिस दिन उसने वो घर बेचा, उस दिन उसके बायर ने उसके इतने प्यारे से मोल को छेड़ा है। ओह ये कितनी शर्मनाक बात है, ऊपर से उसका कोवर्कर बस उसका मजाक बनाएगा और कुछ नहीं। शाहजहाँ ने कहा, आया मैं उसे जानता नहीं है। इस पर बोवेन ने कहा, ऑफ कोर्स तुम उसे कैसे जानोगे, वो तुम्हारा नेबर ही तो है। पर क्या है कि वो मेरा नेबर नहीं है, इसलिए मैं तो बात नहीं कर सकता ना, तुम्हें ही करनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से वो तुम्हारा कस्टमर भी है, सही कहा ना? उसे जवाब मिला। बोवेन ने कहा, फिर तुम उससे प्यार से बात करके क्यों नहीं देखते, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान ले। तुम उसे जानते भी हो, वो बिल्कुल बदतमीज है, शाहजहाँ गुस्से में बोला। अब बोवेन से अपनी हंसी छुपाए नहीं छुपी और वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, ली बोवेन चुप हो जा वरना मैं तुम्हें उठाकर रोड पे फेंक दूंगा। ये आवाज़ इतनी गहरी और डरावनी थी कि सभी लोग वापस से अपने अपने काम में जुट गए। बोवेन भी चुप हो गया और अपने काम में बिजी हो गया। दूसरी तरफ शाहजहाँ ने भी सहाय किया, पीछे मुड़ा और अपने काम में लग गया। अब कहीं जाकर दरवाजे पर खड़ा लगभग 50 साल का आदमी लुजियान में, जो इस एजेंसी का प्रेसिडेंट है, वो धीरे धीरे अंदर चल कर आया। दूसरी तरफ काओ युचेन लियो हाइक्वान के दरवाजे पर नॉक कर रहा था। वो लियो हाइक्वान का पर्सनल असिस्टेंट था। कम इन, अंदर से आवाज़ आई। काओ युचेन ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर लियो हाइक्वान के पास चला गया। उसे एक फाइल दी। हाइक्वान ने पूछा, ये कैसी फाइल है? काओ युचेन मुस्कराया और बोला, ये आपका एग्रीमेंट और पेमेंट है, आपने जो कॉन्डो बेचा था उसका, इस पर आपके साइन चाहिए। हाइक्वान ने बस हाथ से हिलाया। हाइक्वान ने वो फाइल खोली। जैसे ही वो पढ़ने लगा, उसकी भौहें सिकुड़ी और उसने तुरंत काओ युचेन की तरफ देखा। ये कॉन्डो ईबो ने खरीदा है? हाइक्वान काओ युचेन से पूछ नहीं रहा था, वो खुद को समझा रहा था। अब काओ युचेन की हंसी रोक के नहीं रुक रही थी। फिर भी कैसे भी करके उसने खुद को संभाल लिया और कहा,
हाँ सर, उसने पूरा पेमेंट कर दिया है। हाइकवान पीछे सीट पर बैठकर अपना माथा सहलाते हुए बोला, ये लड़का भी ना, सच में बेचारा शाहजहान। वो चकल करते हुए बोला। काउचन ने पूछा, सर क्या कोई बात है? हाइकवान ने कहा, ओह नहीं कुछ नहीं, तुम जा सकते हो। ओके ठीक है सर, कहते हुए काउचन ने लियो हाइकवान को बो किया और वहाँ से चला गया। ईबो को उस कॉन्डो में शिफ्ट हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका था और वो हर वो तरीका अपना रहा था जिससे वो शाहजहान को परेशान कर सके, ताकि वो उसके पास आए कंप्लेंट करने के लिए। पर वो चाहे जो कुछ करे, उसका कोई तीर निशाने पर नहीं लग रहा था। अभी वो क्लासरूम में बैठा था अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, ची पेशिन, गो चिंग और झांग फिंगशिन। तभी गो चिंग ने कहा, हे इबो, तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है उस क्यूट प्रॉपर्टी एजेंट को लेके? इबो ने कहा, वो अभी भी मुझे अवॉइड कर रहा है। यह सुनकर गो चिंग और पेशिन जोर से हंसने लगे। पेशिन ने कहा, क्या बात है, द कूल गाय, हार्ट थ्रोप ऑफ कॉलेज, स्वीट हार्ट वांग इबो, एक सीधे साधे क्यूट प्रॉपर्टी मास्टर शाहजहान को झुका नहीं पाया। इबो ने अपने हाथ में पड़ी नोटबुक से पेशेंट को चपेट मारी। ओ ये किस लिए मैन, पेशेंट ने कहा, पर वो हाथ की जगह अपना सर खुजा रहा था। गोचेंग ने कहा, व्हाट द हेल मैन, उसने तुम्हारे हाथ पर मारा और तुम सर खुजा रहे हो? पेशेंट ने कहा, उसने मुझे मारा है ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही किया, गोचेंग ने कहा। गाइस लड़ना बंद करो, तुम लोग थकते नहीं हो क्या? झांग फिंगशिन बोला। इबो ने भी आंखें रोल कर ली, उसके दोस्त कभी एक बात पर एक मत हो ही नहीं सकते। इबो तुम सीरियस हो, तुम सच में ये चाहते हो? फेंगशिन ने पूछा। इबो ने कॉन्फिडेंटली कहा, 100%। वोचिंग ने कहा, पर वो एक मैन है, तुम उसके लिए कैसे झुके? इबो तो तुरंत अपने ख्यालों की दुनिया में खो गया। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई जो उसके दोस्तों की नज़रों में बहुत ही वियर्ड थी। गोचिंग और पेशेंट की नज़र में तो वो सबसे ज़्यादा क्रिंच लग रहा था। उनके मुंह देखकर फेंगशिन ने भी सर हिलाया। इबो ख्यालों से वापस आते हुए बोला, गाइस तुम लोगों को पता है मुझे उसमें सबसे प्यारा क्या लगता है? क्या जल्दी बताओ, पेशेंट ने क्यूरियस होकर पूछा। अब तो इबो बत्ती सी दिखाने लगा और फेंगशिन ने सर पर हाथ मार लिया। इबो ने कहा, उसका मोल, उसका मोल, सभी लोग एक साथ चिल्लाए। इबो ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, मुस्कुराया और हाँ में सिर हिलाया। इबो ने कहा, हाँ उसके लोअर लिप के नीचे एक मोल है, बहुत टेम्पटिंग। उसने फिर से एक बार बत्ती सी दिखाई और उसके तीनों दोस्त सर पकड़ कर बैठ गए। रात के लगभग 10 बज रहे थे। शाहजहान अपने बेड पर लेटा हुआ था, आंखें छत पर थी और जो रिचुअल रोज होता था वो उसका इंतज़ार कर रहा था। पर सरप्राइजिंगली आज बिल्कुल शांति छाई हुई थी। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही कदमों की आहट, ना ही किसी ढोल नगाड़े की। कहाँ है वो? क्या वो घर चला गया या फिर नहीं? इतनी चुप्पी क्यों छाई हुई है? शाहजहान सोच रहा था। फिर उसने कहा, व्हाट द हेल शाहजहान, ये अच्छी बात है, तुम शांति से सो सकते हो। शाहजहान ने करवट बदली, जमाए दी, फिर पैर मोड़कर बिल्कुल एक बॉल की तरह बॉडी का शेप बना लिया, छतर ओढ़ ली और गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसकी जब आंखें खुली, उसने सबसे पहले घड़ी देखी। रात के 12:38 हो रहे थे और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो चुका था, मतलब वो आवाज़ें। शाहजहान फिर से बेड पर सीधे लेट गया, आंखें सीलिंग पर थी, कान हर एक आवाज़ को बारीकी से नोट कर रहे थे। वहाँ पर आवाज़ें हो रही थी, एक नहीं कई सारी। ऐसा लग रहा था कोई हील्स वाले बूट पहनकर चल रहा है। तभी एक और आवाज़ हुई, फिर एक और फिर लगातार होती ही रही। शाहजहान सोच रहा था, वो आखिर कर क्या रहा है, कंचे खेल रहा है? शाहजहान ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली। वो बड़ी जोर से चिल्लाना चाहता था या फिर उस आदमी को सबक सिखाना चाहता था
जिसने उसके रातों की नींद हराम कर दी है। पर तभी ऊपर की सारी आवाज़ें अचानक से चुप हो गई। शाहजहाँ ने फिर से एक बार राहत की सांस लेने की कोशिश की। अब एक क्रेजी गिटार वॉइस शाहजहाँ का सर खाने लगी। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और शाहजहाँ बबल में खुश रहिए। थैंक यू।